इसके लिए मैंने माइनक्राफ्ट को आज के में गाइस हम फिर से हमारा थोड़े आगे तो मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में गाइस काम करने वाले हैं। तो चलो गाइस देखो आज की वीडियो में गाइस मैं अपने पहले चिकन को नेम करूंगा। गाइस मैंने सोचा है कि किसे नेम करूंगा, जॉन से कमेंट्स के गाइस हमें मिले हैं आज तक, मुझे कुछ कमेंट्स ही आए हैं, तो गाइस उनमें से ही मैंने जॉन से चूज़ किया गाइस उसको रख रहा हूँ। चलो मुझे साइन चलो मिल गया, चलो 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 ये हो गया। और अरे यार गलत जगह लगा दी, ऐसे कैसे भाग जाएगा। चलो गाइस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसका नाम होगा गाइस इसका नाम होगा दशम द चिकन। गाइस मैंने इसका दशम इसीलिए नाम रखा क्योंकि गाइस आजकल मुझे वैसे तो कमेंट सिर्फ गाइस हरसिम और भाई और इनके साथ ही आते हैं, दशम का भी आया गाइस। चलो मैंने आज इसका नाम ये रखा है, चलो आगे देखते हैं। और इस चिकन ने तो गाइस एक एग भी दे दिया है। चलो ओ नया बेबी चिकन गाइस, ओप्स गाइज आप चाहें तो इसे भी नेम कर सकते हैं गाइज, आपको बस कमेंट को ही लिखना है और उसमें नेम भी कर देना भी छोड़ भी क्या नाम रखे गाइज, ये तो मैंने ऐसे ही पिक कर लिया था। चलो अभी यह काफ़ी है, आगे देखते आगे जौन सा गाइज आज मैं थोड़ी मतलब निर्मित का पेस्ट थोड़ा ठीक करने वाला हूँ, वैसे उसका पेस्ट कितना ज़्यादा उखड़ा हुआ था आपको पहले ही पता है गाइज। अरे यार गिरे जा रहे हैं गाइस, आपको पिछली वीडियो याद ही होगी मैंने उसमें डायमंड्स ढूंढे थे और वो भी मुझे उससे 15 डायमंड्स मिले, उससे मैंने एक डायमंड पिकैक्स बना ली। चलो और मैंने उसे अपने इंचांटिंग रूम से इंचांट भी कर लिया है। अरे यार ये क्या हुआ, अरे मेरी सेटिंग्स ये हो गया, मेरे पास कोई और फूड होगा तो मैं वो खाऊंगा क्योंकि अभी इतना कम हंगर है और मैं इसे क्यों यूज़ करूँ। एक ब्रेड इसमें, चलो ये थोड़ी ब्रेड तो है, ये भी ब्रेड खा लेता हूँ। वैसे मैंने ब्रेड बाहर निकाली क्यों जब मेरे पास थी तो। ये स्टोन शवल मैंने रिपेयर कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा शवल है। मेरे शवल से तो ज़्यादा ही है गाइस, देखो मेरा शेवल तो एक नॉर्मल शेवल है, 3 अटैक डैमेज, उसका डैमेज भी थोड़ा ज़्यादा है। चलो 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 मैं उसी के घर में गाइस आज स्मेल्टिंग करके थोड़ा वो ठीक करूँगा उसके घर को। और गाइस आज मैं हर्षिम और भाई के घर में भी थोड़ा चेंजेस लाऊंगा। चलो एक, अरे यार इसकी डायमंड ये चीज़ें मुझे क्यों देखनी, इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अब इस फ्लोर को जरा मैं ठीक करूं, ओह यहाँ पे तो डायोराइट है ना, इसे लगा देता हूँ एंड साइड का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस इसे ठीक करना है। ये हो गया, अब यहाँ पे इसे ये भी मैंने कितनी चीज़ें इसमें गलती से उखाड़ी थी गाइस क्योंकि मेरे पास एक इंचांटेड आयरन पिकैक्स थी जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें गलती से मतलब सीधा माइन कर दी थी बिना देखे, तो फिर मैंने इसे कॉबलस्टोन से ही फिक्स कर दिया। मैं अभी इसे सीधा स्मेल्ट करता हूँ, यहाँ पे वुड है। चलो जब तक ये स्मेल्ट हो रहा है तब तक मेरे पास और स्टोन पड़ा है क्या, नहीं बकेट खाली बकेट का मैं क्या करूँ, इसके अंदर वाटर भराता हूँ तब तक। सीरियसली वैसे मैं यहाँ से भरने से अच्छा गाइस आपको बताऊँ मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में गाइस मैंने एक नई चीज़ बनाई है वो देखो गाइस। अब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे गाइस मेरा इन्फिनिट वाटर सोर्स लो और ये फिर से इन्फिनिटी रहेगा।
चलो 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 यू पिंक ये मैं कुछ भूल गया ये पानी अंदर ना जा स्मेल्ट कितना हुआ ओ 6 स्टोन हो गया चलो मैं इस 6 स्टोन को ठीक फिर मतलब ये स्टोन लगा देता हूँ दीवार पर पहले ये तो ठीक हो गया यहाँ पे डायोराइट है डायोराइट को हटा के भी स्टोन लगा दूंगा इस अच्छा मैं सीधा जाके ना निर्मित के बेस वाली केव के अंदर ही जाके मैं सब थोड़ा सा स्टोन कॉबल स्टोन ले आता हूँ जिससे मेरा फायदा भी हो जाएगा यहाँ से ओप्स ओप्स लगता है मैंने कुछ खराब कर दिया मुझे ऊपर जाना पड़ेगा चलो ऊपर चलते हैं और देखते भी क्या खराब कर दिया उसे फिर ठीक करके आए मुझे लगता है मैंने वो सैंड की एरिया ना खराब कर दिया पे पता था अभी मैं थोड़ा कॉपर स्टोन लगा देता हूँ इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हो गया ठीक और ये थर्टी टू ब्रेड हो गई मेरे पास यहाँ पर थोड़ी और एक स्टोन और लगा देता हूँ एट स्टोन नाइन स्टोन अरे यार हाँ ठीक एंडसाइट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता गाइस मैं डायोराइट को चेंज करूँगा ये डायोराइट अलग ही वाइट दिखता है ना इसमें इसलिए मुझे डायोराइट को चेंज करना पड़ेगा यूप हो गया और इस डायोराइट को इसके गिफ्ट के लिए रख देता हूँ इससे अच्छा मैं इसे यहाँ पर रखूँ यहाँ पर लगा देता हूँ वैसे मेरे डायोराइट किस काम की है वैसे एक चीज़ मैं सोचता हूँ मैं अपने उसके लिए बहुत सारी डायोराइट ना कलेक्ट करूं ये मेरे पास एक अच्छा आइडिया है वैसे एक और स्टोन अब इससे अच्छा मैं ऐसे डायोराइट अपने लिए ले लेता हूं क्योंकि मेरे डायोराइट मैंने एक चीज़ सोची है उसके लिए मेरे पूरी तरह काम आने वाली है सिर्फ और सिर्फ डायोराइट वहाँ पे भी डायोराइट है ये भी मैं लूँगा मुझे बहुत मुझे डायोराइट बट पसंद तो है क्योंकि नॉर्मल डायोराइट किसी को भी नहीं पसंद वैसे गाइस आपको पसंद हो ठीक है मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नॉर्मल डायोराइट इतनी नहीं पसंद मुझे पसंद है मैं अभी बना के दिखाता हूँ गाइस निर्मित क्राफ्टिंग टेबल को यूज़ कर लेता हूँ मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अभी देखो गाइस सॉलिड ब्लॉक्स ये है दो डायोराइट एक्स्ट्रा पॉलिश डायोराइट गाइस ये बहुत मस्त होती है ये देखो मैं प्लेस करके दिखाता हूँ वहाँ पे ये फ्लोर के लिए गाइस बहुत अच्छी लगती है पॉलिश डायोराइट देखो कितनी बस अच्छी लग रही है अब मुझे इसके बेस में क्यों लगाऊँ वैसे मुझे अपने उस अंडरग्राउंड बेस के अंदर लगानी है थोड़ा टाइम मैं इसी के बेड पे सो जाता हूँ अरे अभी रात नहीं हुई चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है थोड़ा मजाक बना बना के बोल रहा हूँ गाइस मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसीलिए गाइस मुझे खुद भी नहीं पता किस बात की चलो यस मैं हर बार ये जो मैंने जब से जावा एडिशन अपने ये इस एडिशन को पॉकेट एडिशन को अपने फ़ोन से सीधा जावा में कनेक्ट किया है ना वैसे असल में तो वो सी प्लस प्लस एडिशन है जावा भी नहीं सी प्लस प्लस एडिशन में जब से टर्न किया है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ऐसे कर नहीं पाता अच्छे से काम सच में कितने बुरे काम हो गए हैं और ये स्टोन को भी इसमें डाल देता हूँ और मैं एक मिनट क्रॉस और मैं वो डायोराइट ले आऊँ जो सी मैंने यहाँ पे प्लेस करी थी
हाँ डाइवर्ट मेरे काम की। चलो और ये गड्ढे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉलिड ब्लॉक्स और मुझे मिल गई पॉलिश टाइप राइट। चार स्टोन। चलो 1 2 3 4 मुझे थोड़े से ही और चाहिए। वैसे कितने चाहिए? एक एक दो तीन। मैं एक एक्स्ट्रा लगा दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। नहीं वैसे तीन ही आ रहे हैं। वाह कम से कम एक भी वेस्ट नहीं हुआ मेरा ये स्टोन मेरे पास। 1 आ रही है तो 2 ही होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक कॉबल स्टोन नीचे लगा दूँगा, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। युप। चलो निर्मित के इसका फ्लोर तो फिक्स हो गया। एक चीज रह गई ये वाला, ठीक है चलो ले लिया। इसे भी थोड़ा स्मेल्ट स्मूथ जो करने करते हैं। मेरे पास एक स्टिक है, तोड़ देता हूँ। ये उसे कन्वर्ट तो नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो स्टोन 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 बन गया। चलो ये रहा, इसके बेड के पीछे जो सा है ये मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो लगता वैसे तो मुझे पहले लगा था भाई निर्मित इसके बारे में नोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा इसके बेड के पास होगा तो शायद ये नोटिस कर ही लेगा। चलो निर्मित के बेस की फिक्सिंग तो हो गई, मैं बाहर निकलता हूँ। और गाइज मैंने सोचा है कि मैं हरसिम और भाई को करूँ। यार गाइज मेरा फ़ोन लैग कर रहा है। मैं अभी ना गाइज हरसिम और भाई के उस घर का भी थोड़ा सा रिपेयरिंग करूँगा गाइज। चलो चलो एक मिनट, मेरे पास वुड है। हाँ मेरे पास वुड ही नहीं है, मुझे स्प्रूस वुड चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे घर के घर में है मेरा स्केलेटन हॉर्स। वेट एक सेकेंड प्लीज, मेरे स्केलेटन हॉर्स के ऊपर एक वो भी थी, क्या कहते हैं वो है, इसके ऊपर है, दिख तो रही नहीं, मुझे पता ही नहीं था ये दिखती नहीं है इनकी। एक मिनट एक काओ यहाँ पे क्या कर रही है, मैं इसे अपने बोस से मारूंगा। अरे मरी क्यों नहीं? अरे हाँ ये तो 2 बंदे हुआ है ना शायद, क्योंकि मेरा 1 शॉट बो, तो अगर मैं पंच लगाऊँ इसके साथ तो होएगा। अरे यार ओपन कर दिया इसे तो। और ये कहाँ है ये लामाज? अरे हाँ इसे तो मैंने ही रखा है अपने पास, ये एंडरमैन। एंडरमैन इसे तो मैं मार के ही रहूँगा। एंडरमैन ऐसे ही मर जाएगा। मेरा एक्सपी फार्म में भी तो ज़ॉम्बी के मैंने बनाए हुए हैं। अरे यार एक तो लैगिंग कितनी सारी होती है। यू 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 चलो 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 हो। अरे यार सच में अब यहाँ पे ये फोन ओ आयरन, मेरा पहले का रखा हुआ आयरन अभी तक मैंने उठाया नहीं। वाओ रॉटन फ्लैश को तो मैं बस जला दूंगा, किसी काम का नहीं। एक सेकेंड ये रॉटन फ्लैश नहीं, लेदर 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 लेदर, अरे हाँ 4 लेदर हो गया। मेरे पास वैसे आयरन बूट्स हैं, मैं सोच रहा था हर से मेरे भाई आएंगे मैं उन्हें लेदर बूट्स दूँ, लेकिन मेरे पास आयरन है मैं आयरन के बूट्स ही दे दूँगा। और मैंने ये गोल्ड तो गोल्डन एप्पल्स के लिए रखा है, और मेरे पास ये भी है पोशन के लिए। गाइस मैंने निर्मित की केव से बहुत कुछ चीज़ें गाइस कलेक्ट की हैं, आप सोच नहीं सकते मेरे पास। गाइस वहाँ से मैंने डायमंड्स भी कलेक्ट किए हैं, इतना ही गाइस मुझे गोल्ड मिला है आयरन मिला है सब कुछ। ये फिशिंग रॉड मेरी, युप
ये रॉटन फ्लैश, और ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा एंडर पर्ल। एक जब पहले मेरे पास पूरा एन्चांटेड आर्मर था गाइस, मैं इसी से मरा था। चलो और मेरा शावल, यूप कहा, अरे यार चल जा। चलो अभी तो अच्छा ही चल रहा है गाइस, अभी आगे जाके बस हरसिमर भाई के मैंने उसे ठीक करना है। थोड़ा सा मैंने एक चीज सोची है, उनके लिए एक छोटी सी बैल्कनी टाइप का भी बनाऊंगा, अपने लिए तो बनाया भी नहीं सकता, ऊपर मैंने इतना वियर्ड टाइप का थोड़ा सा बनाया है, इसीलिए सारी वुड ले रहा हूँ मैं, ये वाली कॉबल को यहाँ पे। एक तो ये बहुत गलत होता है, चलो ये ठीक है। फ्लिंट एंड स्टील मेरे काम की चीज नहीं है, वैसे मैंने क्या रख दिया था, फ्लिंट एंड स्टील, अरे हाँ फ्लिंट एंड स्टील को यहाँ पर रखना है, क्योंकि मेरा फ्लिंट एंड स्टील वैसे भी काम आता है। युप हा हा हो गया, चलो आगे। आगे आगे मैंने गाइस किसी एक जगह पे अपने सारे डायमंड चीजें छुपा दी गाइस, जिस दिन हम एक दिन फाइट भी करेंगे गाइस उस दिन मैं लगाऊंगा इसे, मतलब क्या कहते हैं इसे चीजों, ये क्या इसके हाथ का स्नोबॉल कहाँ गया जो हरसिमर भाई ने डाला था। मैं फंस गया, उन्हें लगेगा अभी मैंने करा है। चलो मैं तब तक एक स्नोबॉल निकाल के वहीं पे रख देता हूँ, क्योंकि हरसिमर भाई को स्नोबॉल इतने पसंद है, उन्होंने इसके ऊपर एक स्नोबॉल डाल दिया था, आपको वैसे पता ही होगा हमारी वो वीडियो जिसमें मैंने हरसिमर भाई को उनका ही घर दिखाया था। स्नोबॉल, ओह मुझे नहीं चाहिए बोन, एक दो इसे एरोस तो मेरे काम के, एक स्नोबॉल। ये क्विक ऐसे था गाइस, ऐसे ही था हमारा, इसने हरसिमर भाई का ये ऐसे ही रखा हुआ था। एक मिनट ऐसे करूँ नीचे पोज, ओ भाई मैं इसका पोज भी चेंज कर सकता हूँ, वाओ। मैं हरसिमर भाई को गाइस एक बालकनी का एरिया ना यहाँ से दूंगा, उसके लिए पहले उतर जाओ। अरे यार ये कितना अजीब है, ये वहां तक है ना, मैं जरा गाइस वहां पे चढ़ता हूँ फिर। ओह मैं बहुत ऊपर चढ़ गया, एक्स यहीं पे क्या, हाँ सही जगह, यहाँ पे गाइस एक डोर लगाऊंगा, फिर मैं इस एरिया पे गाइस ये बनाया ये बनाया, इतना एरिया इनकी बालकनी टाइप का बनाऊंगा, क्योंकि गाइस वैसे इनके लिए थोड़ी बालकनी भी दिखेगी पीछे की साइड को देखने के लिए। चलो एक और, फिर मैं फेंस लगाऊंगा, ये हो गया। फेंस के लिए ये भी इन्हीं का यूज़ करता हूँ, आओ। अरे यार इसमें मैं डायमंड रखना भूल गया, अरे हाँ ये तो हरसिमर भाई का ही सामान है ना, मैं भूल गया था। अरे यार चलो फेंसेस, फेंस 6 फेंस काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, विवाह ऐसे चलते चलते आगे ही गिर ना जाए, वैसे भी हरसिमर भाई का क्या पता है। यू नहीं मुझे 2 और फेंस चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्टिक्स बनानी होगी और फिर 2 फेंस 3 फेंस। ओके ओके चलो ये स्टिक्स भी हो गई, चलो लैपिस लजूली से ब्लू डाई बन जाती, एक सेकंड ब्लू डाई, ओ मुझे लगा था सिर्फ वो फ्लावर से बनती है ब्लू डाई, वैसे ऐसे बीटरूट से भी तो रेड डाई बन जाती है। इस फेंस को इनके ही रख दूंगा, ये गया फेंस, मैं ही मुझे कोई फर्क,
अरे यार एक क्राफ्टिंग टेबल है। इन्हें फायरवर्क्स बड़े पसंद है हरसिमर भाई को। हो गया इनका आयरन हेलमेट। खेल रहा था मैं गाइस। अरे यार मैं डोर बनाना भूल ही गया। चेस्ट फिर से कुछ ना कुछ मैं गलत ही दबाता हूँ मतलब ये ना अल्लाह ये क्रॉस करने दब रहा है। चलो एक डोर बनाता हूँ यहाँ पे युक 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 और ये डोर बन गया। ये बन गया डोर। इनका डोर उतना मैच नहीं करता ये थोड़ा अलग डोर है गाइस। ये बैल्कनी। ओ यार मेरी बैटरी गई कोई बात नहीं। चलो इनकी तो ये मुझे ना इसे थोड़ा साइड में और बनाना चाहिए था लेकिन ये देखो गाइस ये बैल्कनी हो गई। हो बड़ा काम आएगा इनके वैसे भी बाहर देखने के लिए इनके काम आएंगे। मुझे लैडर क्लाइंब कर लैडर से नीचे आना इतना पसंद नहीं है इसमें मेरे बेस में वैसे करना पड़ता है। और घर में मैं इसे वापस ही रख देता हूँ मुझे हर से मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये रही चेस्ट। चलो ये हो गया अभी तो इतना ही गाइस आज के लिए बस हो गया गाइस। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना गाइस इसीलिए क्योंकि आपको फिर मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।